दिव्या अग्रवाल सही कंटेस्टेंट है? हाँ हाँ, क्योंकि वो हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट थी एंड जब वो आई थी वो बहुत श्योर थी कि गेम कैसे खेलना है एंड ऑफकोर्स वो दिग्गज खिलाड़ी रही हैं, उन्होंने पहले भी रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया है, तो आई एम श्योर जो भी डिसीजन है ऑडियंस तो सब जनता तो सब जानती है एंड बिल्कुल सही चुना है। तो जैसे कि आप देख रही थी बिग बॉस, आपके कौन फेवरेट थे, आप कुछ बताना चाहिए आप? मुझे अभी जो OTT में मुझे दिव्या अच्छी लगती थी, मुझे शमिता भी अच्छी लगती थी एंड राकेश और उनका जो क्यूट केमिस्ट्री दिखाई है वो अच्छा लगता था। तो क्या आपको लगता है बाहर भी चलेगा लव एंड रिलेशनशिप या सिर्फ शो के लिए ही रहेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें आप जब बंद उसके होते ना एक जगह पे आप सिमट के रहते हो, आप बाहर नहीं जाते हो, तो शायद किसी हद तक आप डिपेंडेंसी हो जाती है एक इंसान पे, आप उसे रोज़ देखते हो, रोज़ रहते हो उसके साथ। लेकिन सही चैलेंजेस तो घर से बाहर निकल के ही पता चलते हैं कि कितना जेन्युइन है और बाहर की सर्कमस्टेंसेस में कितना टिक पाता है रिश्ता, ये तो वक्त ही बताएगा। आप और सर कभी बिग बॉस पर जाने की इरादा रखेंगे? और या तुमने मुझसे पहले भी पूछा है, आई वुड लव टू एंड क्या है ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए एंड अगर ऐसा मौका मिलता है तो क्यों नहीं। हमें ऑलरेडी लॉकडाउन से बहुत सारे अंदर रहने की आदत पड़ गई है, तो अगर ऐसा चांस दोबारा मिलता है तो इट विल बी रियली नाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे सिनेरियो में। तो आपको कभी ऑफर आया, क्योंकि ऑलरेडी आप बैक टू बैक शूट कर रही है, टेलीविजन शो कर रही थी? मुझे एक आध बार आया था ऑफर, लेकिन तब शायद फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इतनी रेडी नहीं थी, तो शायद मैं कहीं ना कहीं डर गई थी, बिकॉज एकदम से सामने आपके आपका पर्सनल फ्रंट जब आ जाता है, जनता आपको एकदम पर्सनली जान लेती है, तो मेरे लिए वो बहुत आसान नहीं था टू एक्सेप्ट, बिकॉज मैं अदरवाइज बहुत रिजर्व्ड हूँ। तो पहले जब बिग बॉस की कोई बात करता था तो मैं बहुत डर जाती थी कि नहीं नहीं यार, ऑडियंस के सामने मेरा असली वो जो मैं हूँ वो आ जाएगा, और मैं हमेशा से बहुत कम लोगों से इतनी क्लोज आती हूँ या परिचित होती हूँ, बट अब शायद मैं तैयार हूँ। जैसे कि बिग बॉस भी है लेकिन अभी खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, फिनाले चल रहा है, तो आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं? खतरों के खिलाड़ी में कई सारे टेलीविजन एक्टर हैं, सौरभ है, हाँ हाँ, मेरे को अच्छा, मेरे को सभी अच्छे लगते हैं, श्वेता है वो बहुत अच्छी है, दिव्यांका है, शी सो सो अमेजिंग एंड सौरभ ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ इट, वो जल्दी निकल गए उसमें से। बट अभी दिव्यांका त्रिपाठी है, श्वेता तिवारी है, राहुल वैद्य है, तो आपको क्या लगता है कौन जीत पाएगा? अभिनव शुक्ला ने बहुत अच्छा खेला, तो आपको क्या लगता? मुझे लगता है दिव्यांका, बिकॉज वो बहुत निडर रही है हमेशा से, बहुत ऐसे डर लगता है अंदर, लेकिन उस डर को साइड पे करके यू गो फॉर इट ना, वो स्पिरिट मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक मेरे को दिव्यांका लगती है वो जीत। तो ऐसे स्टंट करना आपको पसंद है? बहुत बहुत, मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं जब स्कूल में थी तब स्नेक शो हो रहा था तब उस दौरान एंड हमें मतलब उसमें स्टडी के लिए बुलाया गया था असिस्टेंट्स, तो वाइल्ड लाइफ से लोग आए थे और उसमें यू नो वी वर मेड हाथ में दिखाए थे सांप एंड मुझे याद है कि मेरे क्लास में किसी ने वो नहीं टच कर पाया था और मैं बड़ी आगे से जाके मेरे सीनियर्स के साथ, मैं एक अकेला बच्चा था जो जाके खड़ा था एंड बिल्कुल लीडर ही में, डर लग रहा था लेकिन वही है मैंने दिखाया नहीं किसी को, आई ओवरकेम माई फियर्स एंड यू नो आई डिडंट लिसन टू द माइंड, माइंड ही बोलता है ना आपको डर लग रहा है उसको मत सुनो। तो इन दिनों आप टेलीविजन शो बहुत देख रही होगी क्योंकि छुट्टी की चल रही है? छुट्टी चल रही है हाँ, और मैं बहुत सारे वेब सीरीज और फिल्म्स देखती हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है कि बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है, सो इट्स रियली नाइस। तो खतरों में किसकी ज़्यादा स्टंट आपको पसंद है, राहुल वैद्य का आया या किसका स्टंट आया, वरुण सूद है, किसका ज़्यादा स्टंट? मेरे को एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो वो इतने चैलेंजिंग होते हैं ना स्टंट्स, तो मेरे को यूजुअली सबके स्पिरिट्स ऐसा लगता है यार मैं होती तो मैं कर पाती कि नहीं कर पाती, तो मुझे ज़्यादातर सभी अच्छे लगते हैं, बट हाँ राहुल वैद्य इज़ गुड। ओके, आखिर में आप अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? राहुल वैद्य की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे स्टंट है, सिंगर भी गाते हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी बिग बॉस ने काफ़ी बढ़ा दी है, तो इस पर आप क्या कहना, मतलब बिग बॉस और जैसे शो है वो स्टार की जो सेलिब्रिटीज की पॉपुलैरिटी डबल कर देता है, जो कोई उनका इंटरव्यू नहीं करते थे वो करने लगे, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपको बिग बॉस में आपको बहुत पर्सनली रूबरू होते हैं, आप ऑडियंस जनता के बहुत पास आ जाते हैं, क्योंकि वो आपकी अंदर की जो रियल शख्सियत है वो जान पाते हैं, आप किरदार जब निभाते हैं तो आप किरदार निभा रहे होते हैं, वो रिद्धिमा नहीं होते हैं, तो वो रिद्धिमा को जानने का मौका तभी मिलता है जब आप रियल पूरी 24/7 कैमरे के सामने आप खुद
खुद अपने आप को यू नो जैसे हो आप वैसे हो आप कैमरे के सामने, आप नाटक नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप किरदार से हटकर लोगों के जहन में छा जाते हो, तो वहाँ पे लोग आपको कभी नहीं भूलते. इसलिए राहुल पहले से ही बहुत फेमस था. राहुल वॉज पॉपुलर, ही वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ रियलिटी शोज, इंडियन आइडल में भी थे और बहुत अच्छा हमेशा से गाते हैं. तो वो एक एडेड एडवांटेज हो गया कि पहले से फेमस थे, प्लस ये बिग बॉस जैसा इतना अमेजिंग शो उन्होंने कर लिया, तो जनता के बहुत करीब आ गया ना. आई एम वेरी हैप्पी उसके चलते उन्होंने खतरों भी किया, तो आई थिंक चार चांद लग गए अब उनके, बोलते हैं ना एक्सेलरेटर लग गया उनके टैलेंट को. और ये मौका सबको मिलना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेलीविजन में जो एक्टर्स हैं जो फिल्म भी करते हैं वो इसमें फंसे होते हैं कि वो किरदार से नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब उन्हें रियलिटी शोज पर परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो उनके नाम को एक एक्सेलरेटर मिल जाता है, वो दौड़ते हुए आकाश छू लेते हैं. सो विच इज़ नाइस. थैंक यू रियलिटी शोज. रिद्यमा जी आप एक्टिंग भी करते, कभी गाने की कोई तकरीर आप प्रैक्टिस करते, रियाज गाना गाने की तैयारी है? आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, मधुर. तुमने मेरी आवाज सुनी है? अच्छा, बात करते हुए तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, मुझे गाने का शौक है और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा गाती हूँ, पर मैं गुनगुनाती जरूर हूँ और संगीत का हमेशा से शौक रहा है. बचपन में भी मैंने कुछ क्लासेस वगैरह किए थे, पर मैंने उसे कभी भी रियाज को बोलते ना वो रेगुलरली नहीं किया. बट आई लव म्यूज़िक, आई अंडरस्टैंड म्यूज़िक, म्यूज़िक इज़ इन माय ब्लड. अब तो सभी जो मेरे करीब है वो जानते हैं इस बात को. और मैं शास्त्रीय संगीत से लेकर इंग्लिश सब सुनती हूँ, गज़ल्स वज़ल सब सुनती हूँ. तो आप तो कुछ गुनगुना देंगे हमारे ऑडियंस के लिए? थोड़ा सा गुनगुना सकती हूँ. तो मेरा जो बहुत फेवरेट सॉन्ग है, अक्सर मुझसे बोला जाता है तो मैं यही गुनगुनाती हूँ क्योंकि ये शायद हम सबको पसंद है. ये गाना बेकअप सिट का है. सुन रही हूँ सुदब दुखों के कोई मैं कहानी, पूरी कहानी है क्या किसे है पता, मैं तो किसी की होके ये भी न जानी, रुक है ये तो पल किया रहेगी सदा, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को बूंद बूंद, कैसे मैं चल देख ना सकूं अनजाने रास्ते. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू. आखिर में अपने फैन से कुछ कह दीजिए. मैं फैन से कहना चाहूँगी कि ये जो है इंसान इसके पीछे, ये जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, ये बहुत प्यारा है एंड इसके सामने लगता ही नहीं है कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ. आप लोगों को ढेर सारा प्यार एंड आई होप आप सबकी गाड़ी एक बार फिर से चल पड़ी है नॉर्मलसी की तरफ. पर प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी होइए, बिल्कुल भी बेफिक्रे मत हो जाइए. मैंने अभी अपना मास्क सिर्फ इंटरव्यू के लिए उतारा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, हेल्थ इज़ फर्स्ट एंड आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. और मैं हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बनाया है, इस कदर प्यार देते रहिए हमेशा. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.